क्लोज कर दे, क्लोज कर दे। हाँ आजा आजा अंदर। हाँ मतलब साइक्लोन जैसा ही हालत है। नमस्ते नमस्कार जय जगन्नाथ। मैं श्रीकांत मानी आप लोग को स्वागत करते हैं लाइफ टू एक्सप्लोर में। वीकेंड सैटरडे संडे हम कभी भी घर पे नहीं रुकते, कहीं ना कहीं जाना होता है, मतलब जाना चाहिए भी, मतलब हफ्ते भर तो पूरा घर पे ही रहते हैं। आज का जो प्लान है कैंपिंग का, और पूरा रॉ कैंपिंग, सारे चीज़ हमारा अरेंजमेंट है, खाना बनाने से लेके लोकेशन पे कैंपिंग करना, ऐसा कोई ऑर्गेनाइज नहीं है या किसी का कैंप साइट नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसे ही एक रैंडम लोकेशन पे कैंपिंग करेंगे। हम देखे हैं एक जगह जो कि हम पहले से कैंपिंग कर चुके हैं, तो देखेंगे हमारे प्लान के हिसाब से अगर जाएगा तो एकदम बढ़िया सा एक ब्लॉग बनेगा, और हमारे साथ साथ आप लोग भी वर्चुअली एंजॉय करोगे। और आयुष्मान वो नीचे चला गया, आयुष्मान पहले से नीचे चला गया। हमारे साथ है आज हमारा भांजा राजेश, जो कि हमारे साथ ही रहता है। तो एक पपी आया है, पपी ये लोगों ने लेके उठा के लेके आए किधर से, और उसके पीछे पड़े हुए हैं, उनको पालना है करना है करके। तो चलो टाइम नीचे है, इसलिए उसको खाना देने के लिए गया है। चलो दिखाता हूँ अगर है तो। वैसे टाइम हो रहा है 11:45, लेट निकल रहे हैं क्योंकि हमको पहुंचना है इवनिंग में, क्योंकि धूप ज्यादा है जिधर हम कैंपिंग करने वाले हैं, कोई पेड़ वेड़ नहीं है लेक के किनारे। तो लेट्स स्टार्ट। ये देख लो, इसकी बात कर रहा हूँ, सोया हुआ है अभी। इसको देख के लगता है क्या कोई ब्रीड वाला नहीं है करके, ब्रीड वाला से भी बहुत सुंदर है। हस्की, हस्की है? है? No, it's a stray dog, but it looks like हस्की। Let's go, Ishman, let's go. Come. नहीं, उसको लेके नहीं जाना है अभी, वो बच्चा है अभी, पपी है। और हमारे साथ राजेश, राजेश हाय। हमको लगभग 4.5 आवर लगेगा, क्योंकि जो डिस्टेंस है बेंगलुरु से 214 किलोमीटर इधर बता रहा है। वैसे हमको एग्जैक्ट लोकेशन जीपीएस उसका डिटेल नहीं पता। हम जा रहे हैं काबिनी लेक, उसके आसपास एक गांव है, गांव के साइड से होके एक रास्ता जाता है, वैसा होके उधर पहुंचेंगे। तो टाइम तो लग ही जाएगा, लगभग 4:47, 5 बजे से पहले पहुंच जाना चाहिए। लेट्स सी, वैसे वही टाइम को हमको पहुंचना था, धूप नहीं रहेगा नहीं तो प्रॉब्लम होगा। फिर बीच में लेंगे कुछ, ये भी लेना है, चिकन विकन लेना है। मस्त आज खाने के लिए, आज तो मतलब अलग टाइप का खाना बनेगा, पूरा गांव स्टाइल का, विलेज स्टाइल, विलेज स्टाइल। ऑलमोस्ट पहुंच गए, सिर्फ 5 मिनट्स का रास्ता बाकी है, कुछ 3-4 किलोमीटर बाकी है। पूरा गांव होके जा रहे हैं, दोनों तरफ खेती, पूरा गांव वाला माहौल, छोटा सा गांव है। एक्चुअली हम जिधर कैंपिंग करेंगे पानी रहेगा, ऑलमोस्ट तीनों तरफ पानी और एक तरफ गांव, तो वाइल्ड लाइफ का थोड़ा सा प्रोटेक्शन है, क्योंकि अगर कोई जानवर आएगा तो गाँव होके आएगा। पहुंच गए हमारा कैंपिंग लोकेशन पे। ये हमारा फर्स्ट कैंपिंग लोकेशन है, हम इसके साथ मेमोरी जुड़ा हुआ है। हम जब कैंपर वैन पहले बनाया 2018 में, उसके तुरंत बाद फर्स्ट कैंपिंग हम इधर किए थे, हम तीन, सिर्फ आयुष्मान और हम दोनों, कोई नहीं था रात को। और ये जगह ऐसा नहीं कि कोई मैनेज दे, राइट, मतलब खुद का रिस्क के ऊपर ही आपको करना है। चारों तरफ पानी आप देख सकते हो, ये काबिनी का जो रिजर्वर है उसका पूरा पानी फैला हुआ है काफ़ी दूर तक, काफ़ी बड़ा लेक है ये, मतलब लेक तो नहीं, रिजर्वर का पानी है।
और बारिश के मौसम पे तो इधर तक पानी रहता है, मतलब मैदान ही मैदान, एकदम खुला मैदान। कैसा लगा था ना वो कैंपिंग के टाइम पे? वो पूर्णिमा के टाइम में हम आए थे। पूर्णिमा था? पूर्णिमा नहीं, पूर्णिमा जाके थोड़ा दिन हुआ था। तो हम रात को 12 बजे पूरा लेक के नीचे से ही ऐसे चंद्रमा मून ऊपर उठे, मून राइज हुआ, तारों के चद्दर ही छा गया था पूरा। सच में यार, ये जगह पे लाइट पोल्यूशन ज्यादा है नहीं, इसीलिए मतलब जो बोलते हैं ना, तारे बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, स्टार गेजिंग के लिए तो एकदम जबरदस्त है। तो हमारा बेहतरीन एक्सपीरियंस है। अभी वैसे हम सेटअप करेंगे, हमारा कैंपर वैन के अंदर दो और आयुष्मान है, राजेश है, तो हम चार जन है, दो जन कैंपर वैन के अंदर, टेंट लगा देंगे टेंट में दो जन, तो परफेक्ट हो जाएगा। आयुष्मान आते ही देखो भाग गया उधर, क्या कर रहा है पानी में। राजेश के साथ है वो, कुछ पानी वानी के पास जाके खेल रहा है। क्या पानी कितना फेंकेगा, कितना भी फेंकेगा ख़त्म तो नहीं होगा, तू नहीं कर पाएगा। आ गया, तो हम काम करते हैं, पूरा सेटअप करते हैं इधर कैंपिंग का। खाना भी बना लेंगे, शुरू करेंगे, मतलब आधे घंटे के अंदर ही शुरू कर देंगे खाना बनाना, क्योंकि पूरा रात हो जाएगा, लाइट लगा के करेंगे तो हो सकता है कि कीड़ा वीड़ा गिरने का चांसेस रहता है, तो जितना जल्दी हो सके उतना बना लेंगे। वैसे हमारा बेड तो रेडी है, लाइट का इंतजाम नहीं है, जल्दी जल्दी जो होगा कर लेंगे। लाइट है वैसे, दो तीन घंटे तक चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, जितना लाइट है। और हमारा बेड तो, कैंपर वैन तो वैसे भी बेड के साथ है, सिर्फ हमको चाहिए टेंट वाला। तो आज टेंट कैंपर वैन दोनों का कैंपिंग होगा। निकालते हैं हमारा सब कैंपिंग वाला आइटम, चेयर वेयर, तारपलिन, ये सब गिर गया। टेंट बाद में लगाते हैं, खाना बनाना बनाने के बाद और थोड़ा इवनिंग होने के बाद टेंट सेटअप करेंगे। और हमारे पास आज फुल इंतज़ाम है, ये लेके आए थे उत्तराखंड से, इसमें आग जलाएंगे, लकड़ी भी थोड़ा बहुत लेके आए हैं, पूरा माहौल बनना चाहिए। कैंपिंग वाला माहौल बनना चाहिए, नहीं तो कैंपिंग का मजा क्या है। हम बकेट लेके आ गए थे एक्चुअली, इधर तो पानी की कमी ही नहीं है, तो कोई टेंशन ही नहीं है। हाँ क्या आयुष्मान, पूरा लेग उठा के लेके आ गया तू? हाँ उधर भी हम कैंप फायर करेंगे आज, ओके। और एक बढ़िया चीज़, ये देख रहे हो सिलबट्टा बोलते हैं ना इसको, तो इसमें से आज पीस के मसाला बनाएंगे, वो भी यूनिक है आज, क्योंकि इसका टेस्ट तो अनमैच है यार, इससे बनाया हुआ मसाला पेस्ट का कोई मैच नहीं है। तो ये भी है आज, इतना सारा पंछियां हैं यार, बहुत सारा डिफरेंट डिफरेंट टाइप का। ये देखो ये कैसा साउंड कर रहा है, प्लेइंग कर रहे हैं आयुष्मान तेरे जैसा, सब लोग एक जगह पे टिकते नहीं। मसाला को ना थोड़ा सा भिगो के रखा, तो इसमें पीसने के लिए और आसान हो जाएगा। थोड़ा सा पेट पूजा फ्रूट, सुपर स्वीट। तो बेसिकली सारे ट्रास हम ट्रास बैग में कैरी करेंगे, ये भी डिस्पोजेबल है पूरा, बायोडिग्रेडेबल, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको लेके वैसे डस्टबिन में ही डाल देंगे, इधर देखेंगे आज क्या क्या बनेगा। वेज बिरयानी, चिकन कोसा। बेसिकली ऐसा है कि हम तीन, आयुष्मान, राजेश और मैं, प्योर नॉन वेजिटेरियन, कोई डे फे का कोई टेंशन नहीं हमको रहता, ये डे वाइज वेजिटेरियन वाले हैं। नॉन वेज कब खाएंगे, वेज कब खाएंगे, वो डिसाइड करना पड़ता है, वो आदत है। हाँ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इनके लिए बन रहा है वेज बिरयानी
और हम लोग के लिए चिकन कसा वेज बिरयानी तो वैसे खा ही सकते हैं। नॉन वेजिटेरियन मेजोरिटी ज्यादा है ना इसलिए। हाँ मेजोरिटी हमारा ज्यादा है। लाइफ में ऐसा अमेजिंग सनसेट ना बहुत रेयर देखने को मिलता है। ये देखो दूर एक छोटा सा पंछी और आसमान में एकदम मतलब ऑरेंज कलर का सूरज, बहुत ही अमेजिंग लग रहे हैं। एक्चुअली ये साइड हम खाना बना नहीं पाए क्योंकि इतना तेज़ हवा चल रहा है, इसलिए हम अपोजिट डायरेक्शन में लेके आ गए हवा का। तो इधर अभी ठीक है, इधर बन रहा है वेज बिरयानी। तो अभी मेन हमारा मसाला पेस्ट, वो भी सिलबट्टे में। आज बनेगा विलेज स्टाइल चिकन करी। विलेज स्टाइल चिकन करी, यस। ये बनेगा हमारा पाड़ी बाबू स्टाइल। और इसका खुशबू एक्चुअली ना इसके पीछे साइंस है क्यों सिलबट्टे का टेस्ट लग रहा है, क्योंकि हम जब मिक्सर में बनाते हैं, ग्राइंडर में, मिक्सर वाला में, वो कट होता है, छोटा 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 होके पाउडर बनता है, छोटा छोटा कट होके। इसमें क्या होता है, पूरा क्रश होके उसका जो एसेंशियल ऑयल है ना वो निकलता है मसाला का, तो इसलिए ये वाला हमेशा अच्छा रहता है। ओब्वियसली थोड़ा एफर्ट रहता है करके हम आजकल तो मशीन इस्तेमाल करने चालू कर दिए। क्या बन रहा है? वेज बिरयानी। बता दो थोड़ा। बता दो, बना रहे थे ना, बता दो। ये इसका नाम नहीं है कुछ? गोभी, कैप्सिकम, कैरेट, बीन्स। डन, हमारा वेज बिरयानी अभी रेडी हो जाएगा, ठीक है ना? दोनों मिलके बनाए, पता नहीं कैसे लगेगा, होने के बाद पता चलेगा। हाँ ये देखो डन। हाँ एकदम मतलब पूरा पेस्ट हो गया हमारा। मतलब पेस्ट मतलब एकदम जबरदस्त वाला, और खुशबू पूरा चारों तरफ खुशबू आ रहा है इसका। कोई जानवर नहीं आना चाहिए रात को। नहीं इधर जानवर आएगा नहीं। एक्चुअली इसका जो काबिनी का वाइल्ड लाइफ वाला रीजन है वो अलग है, इधर से काफी दूर है क्योंकि काबिनी बहुत बड़ा लेक है यार, गांव-गांव तक फैला है, तो इधर वाइल्ड लाइफ का ये नहीं है। वैसे हम लोकल से पूछ के हम ये कर रहे हैं, तो इसलिए सेफ होपफुली। ये देखो इसका कोई मैच नहीं। फाइनली लग गया टेंट पूरा परफेक्ट। थोड़ा सा एफर्ट लगा क्योंकि हवा बहुत तेज है, बहुत तेज हवा चल रहा है, तो टेंट तो लगा दिया हमने। और इधर हमारा बन रहा है चिकन, वेज बिरयानी तो बन गया। वाओ क्या कलरफुल, अभी से ही लग रहा है, नजर मत डालो। हर तरफ घोर अंधेरा, पंछियों का आवाज अभी भी आ रहा है क्योंकि लेक साइड में ना ऐसा बहुत सारे पंछियां रहती है जो कि पूरा रात भर शोर मचाएंगी। बहुत एक्सपीरियंस है इसका हमको, एक अनोखा म्यूजिक रहता है ये, नेचर का म्यूजिक। अरे हमारे पास इतना जो बोलते हैं ना लो लाइट वाला कैमरा तो है नहीं,
नहीं तो एक अजीब सा कलर दिखता है रात को, वो दिखा पाते थे आपको। क्या कर रहा है इसमें उधर हाँ? मामा के पास चले जा। चिकन होने के बाद हम कैंप फायर करेंगे, मतलब चिकन एक बार ढक देने के बाद फिर कैंप फायर ऑन कर देंगे। ओके आयुष्मान, थोड़ा ग्रेवी मतलब राइस के लिए भी चाहिए ना। हाँ। इसमें से वैसे 30% तो कम हो जाएगा ना। ठीक है, आयुष्मान का माइंड फ्री अभी क्योंकि कैंप फायर ऑन होगा। और थोड़ा वो साइड ले ले क्योंकि हवा ना इस तरफ हो रहा है। वैसे दूर दूर तक तो कुछ नहीं है, पूरा खुला मैदान और पानी। जल गया। आयुष्मान का भी ड्रीम हो गया पूरा, कैंप फायर का। समर सीजन में कैंप फायर चाहिए आयुष्मान को। अनोखा एक्सपीरियंस। वैसे हवा बढ़िया लग रहा है यार, इतना तेज हवा, इतना सुकून। बस रात भर ऐसे हवा चलना चाहिए। चलेगा चलेगा, नहीं चलेगा तो भी ना, इतना गर्मी नहीं लगेगा लगता है। खुला पूरा जगह है ना पानी के पास। गुड नाइट गाइस। गुड नाइट। सो योर प्लेस वेरी नाइस, कोजी रूम। हाँ वेरी गुड। ओके गुड नाइट। आयुष्मान और राजेश टेंट में। ओ वेरी गुड। आयुष्मान बोला है हमारे पास ज्यादा स्पेस है। दोनों भाई तो उधर सो गए टेंट में, हमारा सेटअप इधर हो रहा है कैंपर वैन में। वैसे हमारा यूएसबी फैन भी है लेकिन मुझे नहीं लगता है इसकी जरूरत पड़ेगी, अभी भी हवा चल रहा है। और सारे सामान, लैपटॉप और इवन थ्रास्ट बैग, सब गाड़ी के ऊपर हम रख लिए क्योंकि पता नहीं राइट, कुत्ते कुत्ते आ सकते हैं। ओके आयुष्मान गुड नाइट। गुड नाइट। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। आ गए हम अंदर हमारे घर पे। ये आज के लिए तो ये हमारा घर ही है। ऑब्वियसली यार बहुत मतलब कोजी सा, एकदम सा छोटा सा कोजी सा रूम, वो भी पूरा नेचर के बीचों बीच, चारों तरफ पानी, हमें बीच में। और बाहर पूरा ना मैजिकल एक्सपीरियंस है, मतलब एकदम लाइटनिंग थंडर बारिश जैसा माहौल है। बारिश पता नहीं, हो सकता है रात को बारिश भी होगा। अद्भुत ऐसा एक्सपीरियंस ना लाइफ में होना चाहिए यार, मतलब हम तो करते ही रहते हैं ऐसा एक्सपीरियंस के लिए, एक्चुअली ना हम भागते रहते हैं, बहुत मजा आता है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को भी ना एग्जैक्टली मतलब हमको जैसा मजा आया आप लोगों ने भी वर्चुअली वैसे ही एक्सपीरियंस किया रहेगा। कल सुबह आपको पूरा नज़ारा दिखाएंगे ड्रोन शॉट के साथ, कौन सा जगह पे है, एकदम एक एरियल व्यू आपको दिखाएंगे, आपको लगेगा कि कौन सा जगह पे हमने कैंपिंग किया। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। आपको सुनाई दिया क्या? नहीं पता नहीं। आयुष्मान का, आयुष्मान कैंप में है उसके भाई के साथ, पहले ही जय जगन्नाथ बोल दिया इसलिए। ओके आयुष्मान तेरा जय जगन्नाथ हमने पासन कर दिया सबको। फिर से बोल दे जय जगन्नाथ।
पता नहीं कैप्चर हो रहा है कि नहीं. एनीवे गुड नाइट गाइस, बाय बाय. यार ये साइक्लोन से कम नहीं है यार, मतलब ऐसा लग रहा है कि ये बस स्टैंड उड़ने वाला है. इतना तेज बारिश और हवा यार, क्या है ये. फिर कैंपर में नहीं एक ही भरोसा है रात को लगता है. ये तो उड़ने ही वाला है, बस उड़ ही जाएगा ये. क्लोज कर दे. हाँ आजा आजा अंदर. हाँ ये भी ना लाइफ का फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस, मतलब साइक्लोन जैसा ही हालत है. इतना तेज हवा चल रहा है कि टेंट में रुकने को नहीं हुआ. आयुष्मान और राजेश भी आ गए वापस गाड़ी के अंदर, पूरा गीला हो गया. आना भी चाहिए यार, उधर नहीं टिक सकते, कुछ गारंटी नहीं है कब उड़ जाएगा. टेंट जिंदा है, टेंट अभी भी है, अभी तक है ना टेंट. ये उड़ गया अभी तक है. इसीलिए ना मेटल प्रोटेक्शन ही होता है. मतलब कैंपर वहन ही आज काम आया. अगर हम ऐसे ही कैंप करते रात को तो पता नहीं क्या होता हालत. इतना तेज लाइटनिंग थंडर, मतलब कहाँ से आ गए. मतलब देखो आराम से खाना पीना खाए, सब कुछ हुआ, उसके बाद ये हुआ. ये साइक्लोन जैसा ही है ना पूरा. साइक्लोन ही है, मिनी साइक्लोन. मिनी क्या यार, ये तो एकदम साइक्लोन है. थोड़ा टाइम के लिए पता नहीं कब तक ये होगा. चलेगा क्या. ठीक है, हमारे पास तो है ना प्रोटेक्शन, एटलीस्ट ये वाला मेटल वाला प्रोटेक्शन है. कुछ भी हो तो पानी का भय नहीं, कुछ नहीं. और हमारा जो बर्तन सब रखे थे गाड़ी के ऊपर, पता नहीं उसका क्या हुआ रहेगा. एक तो बाहर, हाँ नीचे ही दिख रहा है ना. हाँ. बहुत सारा चीज तो नीचे दिख रहा है, उड़ के चला गया, वो मिलेगा भी नहीं.